धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह द्वारा अवैध मादक पदार्थों के क्रय विक्रय व तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धार श्री देवेंद्र पाटीदार, एसडीओपी मनावर धीरज बब्बर, निरीक्षक ब्रजेश मालवी, चौकी प्रभारी वाकानेर राहुल चौहान, चौकी प्रभारी उमरबन अभिषेक जाधव के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए ग्राम मोहाली के चार आरोपी राजेंद्र पिता देव सिंह जाति भिलाला, बुदन सिंह पिता देवी सिंह जाति भिलाला, फतेह सिंह पिता हटिया निकवाल जाति भिलाला और नानोराम पिता मुकुट दावर जाति भिलाला, चारों ग्राम मोहाली को गिरफ्तार कर चारों के खेत से गांजे के 1064 पौधे जिनका वजन 1255.8 किलोग्राम है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रुपए है। चारों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 8/20 NDPS एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। भारतीय न्यूज के लिए मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। अभियान लगातार जारी है, उसी अभियान की कड़ी में IGP इंदौर सर, TIG सर और SP धार श्री आदित्य प्रताप सिंह साहब के लगातार निर्देश भी इस दिशा में आ रहे हैं। उसी कड़ी में मनावर थाने के अंतर्गत एक बहुत ही बृहद कार्रवाई की गई है, जिसमें यहाँ से नज़दीक ग्राम मोहाली में कपास के खेत में गांजे के पौधे की खेती की जा रही थी। ऐसे किलो 1064 पौधों में करीब 1255 kg गांजा के पौधे जब्त किए हैं, करीब 60 लाख की कीमत के हैं। इस कार्रवाई के दौरान जो है हमारे SDOP धीरज बब्बर, ब्रजेश मालवी थाना प्रभारी मनावर, उन लोगों का जो पुलिस रिमांड लेके अन्य कार्रवाई के बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। कुल 60 लाख की मशरू का एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और निश्चित रूप से ये गांजे के पौधे की जो खेती हो रही है, नशे के खिलाफ एक बड़ी बृहद कार्रवाई है, जिसमें 8/20 NDPS एक्ट। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।